दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ की मदद से भी आपकी डिवाइस को हैक किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, शायद आपने भी सुना हो कि कुछ ही टाइम पहले ब्लू बोर वल्नरेबिलिटी ब्लूटूथ में पाई गई है, जिसकी मदद से किसी भी ब्लूटूथ को हैक किया जा सकता है। तो आज अपनी वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू बोर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आज के टाइम में बहुत से दोस्त ब्लूटूथ को तो यूज करते ही हैं, फिर चाहे कोई पिक्चर्स या सॉन्ग एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करनी हो या सुनना हो कोई म्यूजिक। लेकिन यहाँ पर पाइथन की किसी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है इन ब्लूटूथ डिवाइसेस में, जिसकी मदद से हैकर्स यूजर को पता चले बगैर ही उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं और उस डिवाइस में मैलवेयर को बाद में स्प्रेड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन के लिए आजकल सबसे ज्यादा ब्लूटूथ को ही यूज किया जाता है, जिसमें आपको उसको डिवाइस के साथ अपनी डिवाइस के साथ पेयर करना पड़ता है, तब ही जाकर आप अपनी उस डिवाइस को यूज कर पाते हैं। लेकिन इस वल्नरेबिलिटी ब्लूटूथ ब्लू बोर में क्या होता है कि किसी डिवाइस को पेयर किए बगैर ही उस डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है और उसमें कोई भी थ्रेड आसानी से भेजा जा सकता है। अब दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि अगर कोई वायरस या मैलवेयर आपकी डिवाइस में आ जाए तो पहला एक्शन आपकी तरफ से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई लिंक आया, आपने उस पर क्लिक कर दिया और डाउनलोड कर लिया, तब जाकर कोई वायरस या मैलवेयर आपकी डिवाइस में आएगा। अगर आप क्लिक नहीं करते तो नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेशक आप किसी लिंक वगैरह पर क्लिक ना भी करें और ना ही उसे डाउनलोड करें, सिर्फ आपकी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन हो, तब भी वो हैकर आपकी डिवाइस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि मेरी डिवाइस में कोई काम हो भी रहा है या नहीं। अब दोस्तों अहम बात तो यही है कि ब्लूटूथ आज की डेट में बहुत कॉमनली यूज की जाती है, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में, आपके स्मार्टफोन में, आपके स्मार्ट टीवी में या किसी साउंड सिस्टम वगैरह में। तो यहाँ पर तकरीबन 5 बिलियन प्लस से भी ज्यादा ब्लूटूथ डिवाइसेज हैं जो इस अटैक से मुतासिर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हम में से बहुत से दोस्त यही सोच रहे हैं कि कोई भी हैकर मेरे फोन, मेरे लैपटॉप या टैबलेट वगैरह को क्यों हैक करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि अगर कोई हैकर कहीं पब्लिक प्लेस पर आता है जहाँ पर आप भी मौजूद हैं और वहां पर मान लीजिए कि 20 डिवाइसेस का ब्लूटूथ ऑन है जिसमें से एक डिवाइस आपकी भी है, तो वहां पर अगर वो हैकर कोई वायरस या मेलवेयर भेजता है तो वो कुछ ही टाइम में बहुत बड़े स्केल पर पहुंच सकता है। और ये सिर्फ कोई वायरस या मेलवेयर ही नहीं बल्कि कोई थ्रेड या एडवेयर भी हो सकता है, जिससे वो हैकर शायद आपका डेटा चुरा रहा हो। वो इसलिए क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में के साथ कोई कनेक्ट हो गया है और उसमें कोई काम हो रहा है। अब इस वल्नरेबिलिटी में 8 कमियां पाई गई हैं जिनको कोई भी हैकर इस्तेमाल करता है, जिसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन चुराने और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की है। अब यहाँ पर शायद बहुत से दोस्त नहीं जानते होंगे कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं दूर से भी किसी भी डिवाइस में कोड रन कर सकते हैं और उस डिवाइस को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई हैकर यहाँ से कोई कोड रन करता है किसी भी ऐप, जैसे कैमरा ऐप को रन करने के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उस डिवाइस का कैमरा ऑन हो जाएगा और फोटो भी क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम इस वल्नरेबिलिटी ब्लू बोर से बच कैसे सकते हैं। अब आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो ये बात तो आप जानते ही हैं कि सारी डिवाइसेज में अपडेट आपको कभी भी नहीं मिलती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, एलजी है या एचटीसी वगैरह है, उनकी जो नई डिवाइसेज हैं उनमें अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना फोन है या कोई पुरानी डिवाइस है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ब्लूटूथ को बिल्कुल ऑफ रखें, क्योंकि आपकी डिवाइस में तभी ये अटैक हो सकता है जब आप अपनी ब्लूटूथ को ऑन रखते हैं। अब कभी अगर आप कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं तो उस वक्त ब्लूटूथ को ऑन करके उसे यूज कर लें और बाद में फौरन उसे बंद कर दें, क्योंकि सभी कंपनियां अपनी सभी डिवाइसेज में अपडेट्स तो भेज नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपका जो भी डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हैं वो इस वायरस या मेलवेयर या इस ब्लू बोर अटैक से इन्फेक्टेड है या फिर नहीं।
तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि बेफजूल फोन की ब्लूटूथ ऑन रखने से आपका पर्सनल डेटा चोरी भी हो सकता है। तो जब ब्लूटूथ यूज करना हो उसे ऑन कर लें, वरना उसे बंद रखें। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद भी आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।